सहारा इंडिया के लिए देश में एक अलग जगाने वाला सहारा इंडिया जमाकर्ता के अंदर एक पैसा मिलने का अलग जगाने वाले सुरजीत श्यामल भैया आ रहे हैं, अपनी बातों को रखेंगे, क्रांतिकारी जोश आपके अंदर डालेंगे। इनके आवाज में वो जादू है जो मुर्गा भी उड़ कर इनके भाषण को सुनने लगता है। ये सबसे बड़ा ताकत है। एक बार ताली बजाकर आपको मिला पा रखी है। आइए साथियों, दो दिन पहले मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि आपके करीमनगर में तकरीबन 100 पेड़ काट दिया गया, उसका एक वीडियो भी हमारे पास आया था। उसके बाद हमने ये पता किया कि ये वीडियो सही है कि नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारा पेड़ वीडियो भी आ जाता है किसी को बदनाम करने के लिए। लेकिन कल जब आप लोग सीओ साहब से मिलने गए थे, उसका जो वीडियो देखे, उसका पिटीशन देखे, तब लगा कि ये बात बिल्कुल सही है। और ये करीमनगर में ही हुआ। आपको बता दें कि अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, इतना आराम से बैठे हुए हैं शामियाना लगाने के बाद भी, पता क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे पेड़ है, उसी के छांव में बैठे हुए हैं। आज से अगर ये बाबा लोग हैं, इनके मुंह का अगर देखिएगा, उस समय ऐसी नहीं होता था, उस समय भूमि भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोग आराम से रह रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना गर्म नहीं था, पेड़ ज्यादा था, आदमी कम था। और जैसे जैसे लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग क्या कर रहा है, पेड़ को काट करके घर बना दे रहा है। लोग सोचता है पेड़ पौधा जंगल है, इसको काट के हटाओ, साफ सफाई रखो। और उसी का देन है जो 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो तापमान चला गया है। और जैसा कि बताया जा रहा है 60 डिग्री टेम्परेचर जिस दिन चला जाएगा, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो अंदर में एसी लगा हुआ है, जब इसके अंदर रहने वाले लोग ये सोच रहे होंगे हम सुरक्षित है, तो जो लोग एसी यूज करते हैं उनको ये भी पता चल रहा होगा कि इस बार बहुत सारा एसी जल गया है। टेम्परेचर बढ़ेगा, एसी काम नहीं करेगा, मशीन काम नहीं करेगा, आपका पंखा काम नहीं करेगा। जो लोग पंखा में भी रहते होंगे उनको ये पता चलता होगा कि पंखा से भी आग टेक रहा है। हम अपना बता देते हैं, अपने घर में कुछ पेड़ लगाए हुए हैं और इधर कुछ पेड़ लगाए हैं। बाहर में आपको यकीन नहीं होगा, रात में बरामदा में सोते हैं एक पंखा लगा करके, और रात में ठंड लगती है, टाइगर की जरूरत पड़ती है। कोई विश्वास नहीं करता हमारे साथ देवानंद भाई को ले जा करके हम सुलाए हुए हैं। उसका एक ही वजह है पेड़। और सबसे बड़ी बात है, सरकार कहती है आदमी से पेड़ लगाइए, और सरकार खुद पेड़ कटवा दे रही है। सही बात है, गलती बात है? अगर 3 दिन के अंदर और ये सीओ FIR नहीं करवा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसने पेड़ कटवाया। और जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं करोड़ों रुपया का पेड़ था, उसमें उसका कमीशन होगा। क्योंकि आजकल क्या होता है, जो भी नेता सुन करके भेजते हैं वो क्या करता है, उसके भोज में बैठ जाता है, उसके भोज में बैठ जाता है, और दोनों मिल करके जनता को लूटता है। आप ये मत सोचिए एक का पेड़ कटा, आप ये सोचिए कि उस 100 पेड़ से आप कितना सौ आदमी लोग सांस ले रहे थे, उसको काट दिया गया। एक आदमी एक पेड़ नहीं लगा पाता है और 100 पेड़ काट दिया गया, उससे कहीं ना कहीं आपके गांव का नुकसान है, हमारे गांव का नुकसान है, धरती का नुकसान है। क्योंकि आप ये सोचिए हम गाँव में आए हैं, आपके फिर से हमको क्या मतलब होगा, आप ये सोच रहे होंगे। नहीं, एक एक आदमी जागरूक होगा, पेड़ के बारे में समझेगा कि पेड़ हमारे लिए कितना फायदेमंद है। अगर यहाँ पे 100-200 लोग बैठे होंगे, अगर उनको समझ में आ जाएगा तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आगे समय में देखने को मिलेगा। अभी टीवी पे, अखबार पे, सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग पेड़ लगाने का अभियान चलाए हुए हैं, और आपके गाँव में क्या हो रहा है, पेड़ काटने का अभियान चल रहा है। क्यों? क्योंकि दूध खतोट जारी है, लोग पेड़ तक को नहीं छोड़ रहे हैं। मौका मिलेगा तो हो सकता है, अभी हम एक पत्रकार है पटोरी के, अखबार में लिखते हो कि नहीं लिखते हो हमको नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया में लिखे थे कि पटोरी ब्लॉक के अंदर 7 लाख पेड़ लगा है मनरेगा से, और हमको कहीं 7 लाख पेड़ नहीं दिखा। हो सकता है 10-20 हजार पेड़ लगा होगा और बाकी पेपर पे लग गया। अब जहां तक आपके पंचायत भवन का मामला है या आप लोगों का मामला है, आप लोगों के सुविधा के अनुसार आपका पंचायत भवन होना चाहिए, और इसके लिए आप लोग लड़ाई लड़िएगा तो कहीं ना कहीं ये संभव हो पाएगा। और सीओ वीडियो हो चाहे जियो हो, उत्तम आपका नजर है, आपके काम के लिए बैठाया हुआ है, अंदर में जो बैठे हुए हैं, चाहे वो पंचायत के जो भी सचिव होंगे, वो भी आपके नौकर हैं,
मुखिया जी को 5 साल के लिए आपके काम के लिए लाया जाता है, ये नहीं कि 5 साल में आप वोट दे दिए तो मालिक हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खासकर पेड़ जो काटा गया है, पेड़ जो काटा गया है उसका हम थोड़ा सा नियम बता देते हैं, क्योंकि हमारे धमोल में लिखा हुआ था नगर जो बना है नगर परिषद, तो इन्होंने क्या किया, जो नगर परिषद का जो कचरा है वो उठा करके आजकल क्या करना शुरू किया है, गांव गांव में जहाँ देखते हैं वहाँ खाली जगह फेंक देते हैं, और वैसे ही हमारे धमोल में कर रहे थे, और एक जगह फेंक करके और उसको क्या करते थे, पूरा में आग लगा देते थे। उससे क्या हुआ, पूरा में जो आग लगाया उससे 2-3 पेड़ जल गया, जल गया तब उसका शिकायत किए सबसे पहले वन विभाग, ब्लॉक के पीछे जाइएगा वहां वन विभाग का ऑफिस है, तो वन विभाग उसी के ऊपर कार्रवाई करेगा जो सरकार के द्वारा नोटिफाई है कि वन है, और नहीं तो सरकारी भूमि पर जितना भी पेड़ लगा हुआ है उसको देख रेख करने के लिए सीओ का पावर है, और अगर पेड़ कट गया, पेड़ जल गया, पेड़ नुकसान हो गया उसको FIR कराना है। FIR नहीं कराना है क्यों, क्योंकि उसका हिस्सा होगा, आप लोग चढ़ जाइएगा उसका गर्दन जब दबने लगा, कानूनी रूप से उसका दबाव बनने लगेगा तो उसको FIR करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अभी से एकजुट होना पड़ेगा, इतने लोग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप ये सोचिए ना, अभी पेड़ है तभी तो बैठे हुए हैं, आज पेड़ का मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि आपके नाम पर चला गया, आपके नाम पर उठ गया, पैसा गोल हो गया, जैसे जैसे आप जागरूक होइएगा वैसे वैसे बहुत सारा कुछ पता चलेगा। तो जो पेड़ का जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और इसी के लिए हम वहां से आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्यों सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम रहते हैं दिल्ली में और गर्मी छुट्टी होता है तो कहाँ आते हैं, गाँव में आते हैं, इसीलिए आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे वातावरण है, पेड़ पौधा है, सही बात है कि नहीं, तो अगर यहाँ से पेड़ कटना शुरू हो जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा। आज से पहले आपने सोचा होगा कि आप लोगों को पानी पी करके खरीद खरीद करके और पीना पड़ेगा, कभी आपने नहीं सोचा था, अभी आप खरीद के पी रहे हैं, तो ऐसे पेड़ कटते रहा तो कल को क्या होगा, कल को होगा कि आप हवा भी खरीद करके सिलेंडर टांग करके घूमिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर्यावरण सेवी के नाम से काम करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, दो चार पेड़ पौधा लगाते हैं, लेकिन अगर कहीं पेड़ काट लिया जाता है तो वो लोग नहीं बोलते हैं और नहीं दिखाई देते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सीओ मुखिया SDO इसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, सबसे मिलजुल करके काम कराना चाहता है, मुखिया जी सीओ से नहीं लड़ेंगे, उसके बाद पंचायत समिति उससे नहीं लड़ेगा, क्यों, क्योंकि सब एक ही जगह बैठ करके और आपके हक का खा रहे हैं, तो इसीलिए हम आप सभी लोगों को कहेंगे कि जितने लोग यहाँ आए हैं अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि पेड़ का क्या वैल्यू है, अपने घर के आसपास पेड़ लगाएं, और आगे चरणबद्ध तरीके से आए, आप पंचायत भवन पे बैठे हैं तो उसको ब्लॉक पे बैठिए, परंतु मंडल पे बैठिए, उसको FIR करना पड़ेगा, अगर आप लगे रहेंगे तो आज न कल FIR करना पड़ेगा, और FIR करना पड़ेगा तो जो आप यहाँ बैठे हुए हैं ना उससे उनके अंदर दर्द पैदा होगा, आप नहीं बोलते हैं इसी के वजह से वो गलत करते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत करने वाले लोग बढ़ गए हैं, बल्कि विरोध करने वाले लोग चुप हो गए हैं, अच्छे लोग चुप हो गए हैं, और इसीलिए आपका हक मारा जा रहा है। यही बातों के साथ मैं एक बार आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने आसपास में अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में बताएं, नहीं तो कल को आप चले जाएंगे तो 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, 70 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, एक आदमी धीरे धीरे करके मरना शुरू हो जाएगा, जीव जंतु खत्म हो जाएगा, राजस्थान का हाल देख लीजिए, वैसा ही सब जगह हो जाएगा, खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, आपके पैसा आएगा सब कुछ नहीं खा पाएगा, धन्यवाद।